नमस्कार, मेरा नाम जयपाल सिंह राजपूत। मैं आज ऐसे सभी बच्चे जिन लोगों को कंप्यूटर सिस्टम खरीदने के बाद उसे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे बच्चे जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, वह कनेक्ट करने के लिए उसे क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है या समझ में नहीं आता है, वो सभी इस वीडियो में आसानी से समझ पाएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम को कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसको कैसे आसानी से चलाया जा सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात ये रखनी चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए आपके पास में वो सभी डिवाइसेस होना चाहिए जो कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले मैं आपको अलग अलग प्रकार के डिवाइस के बारे में जानकारी देता हूँ कि किस डिवाइस का क्या कार्य होता है और इनको कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। आपके सामने ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को मॉनिटर बोला जाता है। मॉनिटर के सामने फ्रंट में हम देखेंगे तो नीचे यहाँ पर सेटिंग्स, स्क्रीन सेटिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार की मेन्यूस बार दी जाती है जिनका हम सामने से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए इसको बैक साइड पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पहला वाला पोर्ट आपको दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर कनेक्ट रहती है, इस केबल को VGA केबल के नाम से हम जानते हैं। VGA केबल में यहाँ पर इस प्रकार से छोटी छोटी पिन्स वगैरह होती है, आपको बहुत सावधानी पूर्वक इन पिन का ध्यान रखना है। यदि एक भी पिन यहाँ से टेढ़ी हो जाती है तो ये कनेक्ट होने में आपको प्रॉब्लम करेगी, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको मॉनिटर को टेढ़ा करना है। टेढ़ा करने के बाद इसके पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट्स का ध्यान रखने के बाद इसे आसानी से पुश करना है। पुश करने के बाद यहाँ पे इसमें पिन दी होती है, पिन को आसानी से आपको घुमाकर इसे कसना है ठीक से। ये ठीक से कसने के बाद इसका जो सेकेंड वाला भाग होता है, सेकेंड पार्ट होता है, इस पार्ट को CPU में आपको कनेक्ट करना है। CPU में कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दो पोर्ट दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो हमें नीचे वाला जो पोर्ट है इस पोर्ट के अंदर इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए इसको हमें आसानी से पुश करना है। पुश करने के बाद जो पिन दी हुई है इस पिन को आसानी से आपको कस देना है। ये यहाँ पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पिन दी हुई है, इन पिन को आसानी से आप घुमा कर लगा देना। ये आसानी से इसमें कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद सेकेंड जो भाग होता है उसे बोलते हैं हम माउस। सेकेंड वाला भाग जो पार्ट से होता है उसको क्या बोला जाता है, माउस। माउस की जो पिन होती है वो दो प्रकार से होती है, एक PS2 जो पिन होती है वो आजकल मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है। जैसे PS2 जो पिन होती है ये ऊपर की साइड पर यहाँ पर लगती है, यहाँ पर ऊपर के साइड में आपको दो गोल गोल ऐसे पोर्ट दिखाई देंगे, यहाँ पर माउस और कीबोर्ड की पिन दी होती है। किसी के पास में USB पिन ना हो तो PS2 पिन यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। USB पिन लगाने के लिए नीचे जहाँ पर पेन ड्राइव को हम लगाते हैं यहीं पे इसी के नीचे ये पोर्ट दिए हुए, यहाँ पर आपको इंसर्ट इसको करना है। इसमें ध्यान रखना है कि जो मोटा वाला भाग है, मोटा वाला भाग की जो ज़्यादा जगह है उसके अंदर करना है, पतला वाला भाग को जो जगह कम है उसी के अंदर आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट आसानी से धीरे से इस पोर्ट के अंदर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने से आसानी से ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा।
कनेक्ट करने के बाद, माउस कनेक्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कीबोर्ड। नेक्स्ट भाग होता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर भी यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट को जैसे माउस पोर्ट को हमने लगाया था वैसे सेम इसको भी आप यहीं पर ही इंसर्ट करना है, आसानी से इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर तीनों को कनेक्ट करने के बाद चौथी जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं पावर केबल। इसको बोलते हैं पावर केबल। पावर केबल क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को पावर देने के कार्य करती है। दो पावर केबल है मेरे पास में। एक पावर केबल सीपीयू के लिए होते हैं, सीपीयू में दो पावर केबल होती है, दो मुंह होते हैं पावर केबल के, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। यदि इस टाइप का यदि आपके पास में पोर्ट है तो वो नीचे यूज़ में होगा, यदि इसके होल कवर वाला पार्ट भाग होगा तो ऊपर के साइड में यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसको आसानी से, इसमें तीन भाग रहते हैं 1 2 3, आपको आसानी से इसको सीधे ऊपरी भाग में बीच वाला, बाकी लेफ्ट राइट दो भाग होते हैं उनको आसानी से इसमें कनेक्ट आपको करना है। कनेक्ट करने के बाद ये वाला भाग आपको पावर केबल के अंदर लगाना, पावर लगाना। इसके बाद एक और मेरे पास में पावर केबल है जो हम मॉनिटर के अंदर इसको फिक्स करेंगे। मॉनिटर के अंदर यहाँ पर पीछे इसमें भाग दिया हुआ है, इस केबल को आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम को आसान तरीके से कैसे आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि कंप्यूटर सिस्टम को कैसे आसान तरीके से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑन या ऑफ कैसे किया जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप मेरे को कमेंट्स करके मेरे से आसानी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।